चलिए कार्तिक मास आज हूँ कार्तिक मासर पंचम दिन न्यूज एटा ओडिशा परिवार तरफ आमर स्वतंत्र भेटी कार्तिक महात्म्य मुश्री आपण समस्त स्वागत करुच्ची तेज आसतु श्रवण करने कार्तिक महात्म्यर पंचम भाग श्री सुख उवाच एमंत कृष्ण वाक्य शुणी से सक्रा जातिर दुलणी पुछंती पति स्नेह घेनी भोनाथ कह पुण्य ध्वनि कार्तिक महात्म्य दुर्लभ जे धर्म भागरे सुलभ जे धर्म कथा विधिकृत कही संतोष करचित कहती करुणा सागर भोप्रिय शुण धर्म सार पूर्वे जे पृथु चक्रवर्ती सूर्य वंशरे उत्पत्ति कृत युगरे महाराजा सुखे पाळई जन प्रजा धरणी शस्य पुण्य करी दृष्ट दानव दर्प हरी विष्णुर अंगु अवतार तेणु विवेक नृपवर नारद मुनि अग्रते धर्म पुछई नित्य नित्य दिन के आस्थाने बसाई मुनि की बोले नर साई हे मुनि विष्णु परायण तुम्हें सकल धर्म जान कह केवेण धर्मे प्राणी अंति कृतांत लोक जिणी बसंती गोविंद मंदिरे पुणि न पड़ती संसारे नारद उवाच त्वं विष्णुर्व सद्भूतश्च नाज्ञतं विद्यते तव तथापि वदतः सम्यम् महात्म्यं शृणु बेनजः कह केमंत धर्म पुण मुनि कहंती राय शुण कार्तिक व्रत धर्म बले मुक्ति लभन्ति निश्चले अशेष जन्म पाप हरे निश्चिन्ते बसे विष्णुपुरे एमंत धर्म जहि सिद्धि शुण से व्रतराज विधि पूर्वे विधाता पद्मजोनी विष्णु आदेश शिरे घेनी अमर सभा मध्ये बसी कार्तिक धर्म परमशंसी जहा कहिले विधि मते से कथा शुण एक चिते आशीर्ण शुक्ल एकादशी कार्तिक व्रत उपवासी व्रत करिबे जेउ जन संकल्प इच्छि सेही दिन रजनी प्रातः काल देखी सत्वरे शयन उपेक्षी ग्राम उपांते नैरते गमिब कर्माणी निमन्ते सेही दिगकु मुख करी उत्तरे तिनी ताली मारी अधो बदने तृणासने कर्माणी बसिब मौने प्राते उदक थिब नै मूर्तिका किछि थिब थोई शौच हेब बेनी जोगे त्रय गृहरे एकलिंगे बाम हस्तरे दस बार शपथ बेनी करस्थल पाद जुगरे तिनि तिनि शौचे मूर्तिका जल घेनी पुणि प्रवेश हुई घरे बास आसन घेनी करे प्रवेश हुई जल घाटे जे से विहित कर्म पीठे आणिब दांत काठी खोजी वनस्पतिरे जेते वर्जी समिध कंटक दुर्गंध जे देव स्थानर प्रसिद्ध खर समिध लता तृण एते उपेक्षी ज्ञाने आण यद्यपि वृक्ष न मिलिब रसाळ पत्ररे घसिब आपे रोपिला वृक्ष छाड़ी पत्र तोळिब मंत्र पढ़ी दंत माजिब जत्न करि चतुर्थ दिन अपहरी उआस षष्ठी एकादशी जेबे ग्रहणर विशसी ए दिन न घसिब दांत द्वादश बार जले धौत नोहिले दिन अनुसरी रजनी थाउ शुद्ध करी विशेष ग्रहण वर्जित तिल अँला हिमत नाभि प्रमाणे जले पशि स्नान करिब मंत्र घोषी सुमरी देव जनार्दन व्रत करिब निवेदन हे देव देव लक्ष्मीपति ए मोर व्रत तुम्भ प्रीति कार्तिक प्रातः स्नान फल सुदया कर आदिमूल अशेष जन्म पाप हर दुख नाशन बाना तोर एमंत बोली स्नान सारी सूर्य अवलोकन करी स्तुति करिब जोड़ी कर बोलिब त्राही दिनेश्वर तुदेव दामोदर मूर्ति कार्तिक मास जले स्थिति मुक्ति प्रसरे पद तलु मते उद्धर भव जलु एमंत बोली स्तुति करी जल अंजलि करे धरी आदित्य देव जलदान बोलिब नमो निरंजन संज्ञा वल्लभ ज्योतिर्मय मोर दूरति करक्षय एमंत बोली स्तुति भणी स्नान फल लभ पुणी पुष्करिणीरे पंचगुण नदीरे दश परिमाण तीर्थे जे स्नान करे जाई लक्ष गुणरे फल पाई एमंते स्नान फल आदि कहिबा वस्त्र वर्णविधि न पिंधि कला रंगवास शुक्ल बसन विशेष अथवा पीत वस्त्र पिंधि आवर वस्त्र नुहे सिद्धि तहु देव ताल ए जीव जे देश थिब जेऊ देव विशेष हरि हर आल एवेनि देवंकर मूल देवता कर दर्शन निवेशी पूजा द्रव्यमान गंध चंदन पुष्प फले धूप दीपादि जेबा मिले
विधि उपाधि द्रव्य पूजी जे देव जेउ पुष्पवर्जी कार्तिक मासे कनियर पूजा करिब गदाधर अरख दुदुरा गईस मल्लिका आदि पंचपुष्प विष्णु को न समर्पिए हा शिवे अजोग्य शुण जाहा जबा उत्पल कूल जुई सेवती शिव को न दे तुलसी गणेश न पूजी दुर्गा दुर्बादल वर्जी एथि उतारे पूजा विधि सकल कर्मे चित शुद्धि जपिब नारायण नाम बांछा करिब फल काम शास्त्र पुराण गीताणी विष्णु चरित जेहू भणी ताहा शुणब मन तो से भजिब गुरु उपदेशे मनरे संकल्प करिब कार्तिक छाड़ी जेते द्रव्य ताहा कहिब विधि मते शुण राजन एक चिते ए पद्म पुराण उकत उत्तर खंडे सारस्वत श्रीकृष्ण सत्या सन्निधाने कहंती कार्तिक वर्णने से पति पत्नी पाद तले अनेक जन्म तप फले नमई महादेव दास करुणा कर पीतवास इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे कार्तिक महात्म्य कार्तिक व्रत संकल्पे नाम पंचमोध्याय तेबे आज तो श्रवण कले कार्तिक महात्म्यर पंचम अध्याय मु पुणी आसिबी कार्तिक महात्म्यर आगामी अध्याय नहीं रहुचे नमस्कार।